स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और जी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भाई आप पिछले कुछ टाइम से लगातार बहुत ही शानदार गाने आप लोगों ने सुने हैं हरियाणा में और वो हिट भी हैं, उनकी आवाज आप लोगों ने सुनी है। उनको आप मेरे साथ में देख रहे हैं आज कोमल चौधरी जी हमारे चैनल पर पहली बार आए। तू बंदड़ी की बेबे, बराती और कड़िया मुराड, दो किलो परफ्यूम, इतने सारे हिट गाने मैडम ने बहुत कम टाइम में दिए हैं, तो आज इनसे बात करेंगे। कोमल जी स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम सभी को। कैसे है कोमल जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैडम ने शायद सुबह से खाना नहीं खाया, भाई मैडम रिकॉर्डिंग पे है तो इसलिए बहुत अच्छी में नहीं खाया खाना। मैंने भी नहीं खाया मैडम, लेकिन फिर भी मैं तो कमजोर नहीं बोल रहा आपकी तरह। नहीं नहीं बिल्कुल आप अच्छे से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तेज बोलिए। कोमल जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अरे मैडम मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आज आपकी इच्छा पूरी होगी वैसे इंटरव्यू की। बहुत लंबे टाइम से मैम बोल रही थी। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब बहुत कम टाइम में आपने इतने सारे हिट गाने दे दिए, मतलब एक अलग अपनी जगह बना लिया के। क्या कहेंगे उसके लिए लोगों को जो प्यार दिया है लोगों ने आपको? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको दिल से धन्यवाद मेरे गाने सुनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे गाने आपके लिए और भी लेके आ रहे हैं, और बस आप लोगों का सपोर्ट ही है, जो कुछ भी है उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो मैम शायद आप दिल्ली से हैं? मतलब नहीं, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा हरियाणा से आप रहते तो दिल्ली हो? हरियाणा से। जी नरवाना सुना होगा आपने। हाँ सुना, क्या मैं गया हूँ। अच्छा तो दिल्ली रहते हो अभी आप? अच्छा मैं आप दिल्ली से ही हो? मैं क्या दिल्ली के लोग ही सारे हरियाणवी इंडस्ट्री पे कब्जा कर ले भाई? ऐसा नहीं है, मैं प्योर हरियाणवी हूँ, बिल्कुल दिल से हरियाणवी। वाह ये तो अच्छी बात है कि मैडम हरियाणा से हैं। मैडम अब तक आपने जितने भी गाने गाए हैं, मतलब बहुत कम टाइम में, तो आपका खुद का कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको लगता हो अपना फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सच्ची बताऊँ तो ताना पे बाल है, जो मेरा वो सबसे फेवरेट सॉन्ग है मेरा पर्सनली। अच्छा। मुझे जो पसंद है वो शायद पहला भी गाना है शायद आपको? नहीं पहला सॉन्ग मेरा अमन राज के साथ ही आया था, यार बदमाश करके। अच्छा अच्छा वो मेरा पहला सॉन्ग था। हिट तो शायद वही हुआ है ताना पे के बाल। हाँ। है पहला, मतलब मेरे को जो ये पहचान थोड़ी बहुत जो मिली है वो उसी से मिली। पहला गाना मैडम उसकी दो लाइनें लोगों को सुना दीजिए। बिल्कुल, हो तीन चार बटने ये शर्ट के खोले क्या तेरा है तू, मखा डर जागे जान मेरी सुन के ना मेरे मसलिया में जाके तू, असलिया ने रखे डैशबोर्ड पे, गोलियां ने रखे डैशबोर्ड पे, रे आवे फी मुखाम खा के तू, हो काना पे के बाल रखे तू, मुंह पे गाल रखे तू, सारी हणा आंख और ढाल रखे तू, हो करे ऐसे काम यार ने तेरे चाम यार ने, नुए को ना बजे राम राम यार ने। बहुत ही प्यारी आवाज भाई मैम की है, आपने सुना ना? मतलब कब से फिर मतलब एक तरह को कीड़ा लग गया, मतलब क्या इस लाइन में जाना है, कब से शौक हुआ? मैं सच्ची बताऊं तो मैं बचपन से ही था मेरे में, मतलब 3-4 साल की उम्र से ही, मतलब मैं पहले मेरे को डांस का शौक था मैं आपको बता दूं। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रही हूं कि मैंने इस इंडस्ट्री में एज ए ग्रुप डांसर भी काम किया है। अच्छा जी, ग्रुप डांसर भी? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद का ग्रुप भी चलाया है, और एज एन जो जिनके साथ मैं भी काम कर रही हूँ उनके साथ मैंने उनके पीछे लगा लो एज एन बैक डांसर भी काम किया है। वाह तो, काफी मतलब लंबा टाइम हो गया आपको काम करते हुए। मैं कॉलेज में जैसे यूथ फेस्टिवल होते हैं वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। कीड़ा तो पहले से था, लेकिन जो मेरे को थोड़ा और ताकत मिली भाई मेरे को सिंगिंग में, डांसिंग में, पहले तो मैं डांसर थी बट मैं सिंगिंग में भी अच्छी थी, तो फिर सिंगिंग का करते करते किसी ने ऐसे किया भी तू ट्राई करके देख, फिर मैंने किया तो बहुत सारे ऐसे गाने, मेरा सबसे पहला जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो तो रिलीज भी नहीं हुआ आज तक। वो तो होता है शुरू से वाले तो रिलीज होते नहीं है, तो यही बस ऐसे करके करके बस करते रहे काम और आप अब देख रहे हो। तो भाई ये भी होता है कि एक्सपीरियंस होता है, मतलब धीरे 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 जब काम करते जाते हैं तो फिर पता चलता है चीज़ों का, कॉन्टैक्ट बनते हैं और बाद में जो हम चाहते हैं वो हो ही जाता है एक दिन। तो मैडम ने जैसे बताया कि डांस से शुरू किया था और आज मतलब हरियाणा की एक जानी मानी सिंगर हैं और बहुत ही अच्छे गाने इनके फिलहाल घड़ी चल रहे हैं। अभी बहुत तो सारे हैं, मतलब मैं चुनना नहीं बोलूँगी, बहुत ही सारे हैं और यही उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए, बहुत मन से किए हैं मैंने, मन से गाया है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब फोक नहीं है, हर तरीके का गाना आपको सुनने को मिलेगा, सैड बदमाशी का भी, फोक भी, मतलब मोटे पैसे कमा लिए तो बहुत काम करके पैसे तो बस दया आप लोग पैसे भाई उन्होंने कमा लिए अब तो भाई, क्योंकि लगातार काम कर रही हैं, एक दिन में दो दो तीन दिन रिकॉर्डिंग करती हैं, बताओ यार पैसे तो आएंगे। मैं वैसे क्या कुछ कर रखा है बजट आप ये बात में या कैसे बताऊं, कई लाख है। अच्छा कई लाख है? हाँ। तो भाई मेरे ढंग से हरियाणा की सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली सिंगर ना हो गई। कई लाख लेती हूँ मैं एक गाना। अरे भाई
फिर तो मेरे बजट के आसपास नहीं है, मैं तो 100,000 वाला बंदा हूँ, मैं तो एक गाना गवा दूंगा मैम से। एक गाना गवाने की इच्छा थी मेरी घर। मैडम अभी प्यार व्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब प्यार व्यार के कुछ भी ख्याल लड़की हंसी तो फंसी है, ऐसा बोलते हैं, कुछ ख्याल नहीं है प्यार के बारे में। प्यार वही है, अगर इस टाइम अपने काम से प्यार करूंगी तो सही रहेगा। यार ये सारे डायलॉग्स क्यों बोलते हैं कैमरा के ऊपर? सारे आर्टिस्ट प्यार से काम करो नहीं करो। हाँ, अगर काम से प्यार नहीं होगा तो फिर किसी, मतलब जो हमें अचीवमेंट्स अभी मिल रही है जिसकी बदौलत हम काम कर रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं, अगर उससे प्यार ना करने के बजाय हम किसी और चीज को सारा प्यार दे देंगे तो फिर कहीं ना थोड़ा सा तो दो, फिर किसी और चीज को सारा मत दो, थोड़ा सा दे दो। प्यार करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत लवली पर्सन हूँ मैं। इतना प्यार, वाह। तो मैम अजय हुड्डा जी के साथ में भी आपने बहुत गाने किए, मतलब लगातार 5-7 प्रोजेक्ट आपने किए उनके साथ में, तो उनके बारे में मतलब कैसा नेचर है उनका फैंस के लिए? उनका बहुत बबली नेचर है, बहुत, मतलब कौन सा नेचर है? बबली मतलब हसमुख। अच्छा, मेरी बुआ की है, मेरे बुआ की लड़की का नाम है बबली, बबली नेचर बहुत अच्छे है, वो दिल के बहुत साफ है। और उनके साथ काम करती हूँ तो कभी भी, मतलब बल्कि मैं ही ऐसे हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, बट वो है ना, जब मतलब रिकॉर्डिंग शुरू होती है तब से लेकर जब तक फाइनल हो जाती है वो खड़े रहते हैं। ये सीरियसली मैं सच बोल रही हूँ, कभी नहीं बैठते, कभी भी नहीं। मैं उनको बोलती हूँ सर थोड़ी देर बैठ जाओ, वो कभी भी नहीं बैठते, खड़े ही रहते हैं, नाचते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं, मतलब बहुत एनर्जेटिक है वो। मैं उनको हरियाणा का रणवीर सिंह समझती हूँ। बिल्कुल भाई, एनर्जेटिक तो है क्योंकि वो आर्मी में भी काम किया है उन्होंने, तो फौजी आदमी तो वैसे ही एनर्जेटिक होता है, और सीनियर और आर्टिस्ट हैं काफी, और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। कोई ऐसी बात उनके बारे में हम, जो आप कोई सीक्रेट बात जो आप बता, कभी आपने कोई किस्सा हुआ हो ऐसा कोई रिकॉर्डिंग पे कि हम लोगों को बताएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की पर्सनल एक ऐसी लाइफ होती है जो किसी से शेयर नहीं करता, और मेरे से तो क्यों ही करेंगे वो शेयर। बाकी नहीं, रिकॉर्डिंग टाइम पे, कभी रिकॉर्डिंग टाइम पे सीक्रेट बात कुछ हुआ हो ऐसा कोई किस्सा? किस्सा नहीं, फनी बात है बहुत, मतलब वो जब रिकॉर्डिंग करवाते हैं ना तो मैं उनको बहुत नोटिस करती हूँ, तो जैसे कि, और कंपोजिशन तो वो बहुत बदलते हैं उनका, एक गाना कभी भी एक बार में फाइनल नहीं होता, कम से कम 5 बार वो गाना रिकॉर्ड होता है तब जाके वो फाइनल होता है। तो जब भी कोई लाइन आती है ना, तो मतलब हम जैसे लिपसिंग करते हैं ना, एक तो प्रॉपर गाते हैं, ऐसे करते रहते हैं वो, जैसे कि मतलब मुंह से, मतलब जो स्टेज पे उनको करना है वो वहीं करने लग जाते हैं, समझ रहे हो आप क्या? लिपसिंग, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं, वो क्योंकि भाई वो सिंगर नहीं है, वो लिपसिंग देते हैं ना, वो वीडियो की तैयारी तभी से शुरू कर देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मतलब एक गाने को, एक गाने को 5 बार गवाते हैं तो पेमेंट भी 5 बार करते हैं, गाने की कितने की बार होती है तो ऐसे हो जाए तो फिर मैं सच में अमीर हो जाऊंगी। अच्छा, तो वही ये बात देखनी चाहिए, जब डच की अगर एक गाने को अगर 5 बार 5 बार पेमेंट मिलनी चाहिए मैम। नहीं, उनका मानना है और सही है उनका मानना कि जब तक परफेक्ट ना हो कोई चीज, परफेक्शन बहुत जरूरी है, ऐसी थोड़ी उनका नाम, बिल्कुल ऐसे उनका नाम अजय हुड्डा थोड़ी भाई, मैं बोल देता हूँ ऐसे ही उनका नाम अजय हुड्डा थोड़ी भाई, अजय हुड्डा बहुत मेहनत से उनका नाम बना है भाई। शादी तो अभी कुछ भी ख्याल नहीं है सीरियसली, मतलब मैं इसको इतना सीरियस मुद्दा समझती नहीं हूँ शादी को। शादी एक ऐसी चीज है जब मन से आवाज आए ना, हाँ कि कर लेनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए। अभी आई आवाज मैंने सुनी थी अभी जस्ट आई आपके, ये अच्छा था नहीं, मेरा सब अच्छा ही होता है नहीं, बाकी अभी सीरियसली अभी तो कोई विचार नहीं है अभी तो। मतलब आपके फैंस अगर आपको इम्प्रेस करना चाहते, किस तरह का लड़का पसंद आए? मेरे घर वाले भी देखेंगे फिर क्या दिक्कत है आजकल तो सब कुछ 56 मामला है। लड़का मेरे को ना, सच्ची बताऊं, घर वालों को भी आसान नहीं होगी ढूंढने में। हाँ, मेरे को, मैं ऐसी हूँ जो, जैसा मेरा नेचर है ना, खुश मिजाज और मतलब दिल का साफ, तो मुझे ऐसा ही कोई चाहिए, मतलब जो दिल से साफ हो। खुश मिजाज भी हूँ मैं, दिल से, दिल का तो मैं बहुत ज्यादा साफ हूँ वो तो मुझे पता है, देखा तुम्हारा मामला तो डन है भाई यहाँ पे। अच्छा, ये जरूर काट देना मेरे पापा आएंगे मेरे लेने इंटरव्यू आपका। अंकल जी, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है, इसमें मेरा कुछ नहीं होता, मैं मतलब बहुत शरीफ घर से हूँ, शरीफ इंसान हूँ, बोलो बोलो आप एंड में बोले। हाँ, शरीफ है बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो वैसे मेरे को करना पड़ता है मजबूरी में, लोग देखे ताकि, इसलिए कोमल जी आप एक बार फिर बोल दीजिए, गाँव का मामला क्या? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कि पिटना नहीं चाहता ना, कल को खबर छपे। रोहित सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को मतलब बढ़ावा ही देना होता है इंटरव्यू लेने के लिए, स्पेशल आना और
हमारी लाइफ के बारे में बात करना, हमारे काम के बारे में, जहाँ हम खुल के बात कर सकते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हमने क्या क्या लाइफ में किया, कितने स्ट्रगल किए, तो अच्छा लगता है। मतलब जब कोई पूछता है ऐसे, तो मैं यही बोलूँगी कि इनके चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब आपको बुलाना उतर गया, मतलब बहुत दिन बाद आपको देखे, आप आते नहीं आते इंटरव्यू के लिए, अब बुलाना उतर गया देखो आपका, और अगली बार जरूर आपके शूट पे मिलेंगे जब नजदीक होगा आपका शूट, क्योंकि शूट बहुत दूर दूर करती है भाई, गोवा में गई हुई। नहीं नहीं चैन पीज भी कोई जगह है, जापानीज है, चैन पीज है, पता नहीं कहाँ, चीन की तरफ ये करते हैं सारे शूट, ये चीन गोवा में। शुक्रिया मैम टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कोमल चौधरी जी भाई, इनके इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाओ इनको फॉलो कर लो अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है, और इनके आगे बहुत प्यारे प्यारे गाने आ रहे हैं, आप लोग इनको देखिए सुनिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए हरियाणवी इंडस्ट्री को, हरियाणवी कलाकारों को, ताकि हम लोग भी कुछ नया आयाम कुछ स्थापित कर पाए हरियाणा के लिए। और बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत प्यार दे रहे हो, अगर नए आए हो हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे गानों को जरूर सपोर्ट करो जो अभी आने वाले हैं। बिल्कुल, अपकमिंग जो भी गाने में हम कहेंगे मैं उनकी अपडेट दे दूंगा, डिटेल दे दूंगा। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सब तक कोमल चौधरी का इंटरव्यू पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।